मेडिकल का शॉप खोलने के लिए आपको क्या लोकेशन चूज करनी चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना प्रॉफिट होगा, कौन सी जगह बेस्ट रहेगी, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप कुछ पॉइंट्स होंगे जिसको आप मिस कर दोगे तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल पवार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। इसी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे मैं बड़ा मेडिकल शॉप खोलना अपन खोलते हैं तो अपने को वहाँ पे किसी बंदे को हायर करना पड़ता है, बंदे को अपनी शॉप पे रखना पड़ता है। तो अगर अपने पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं भी है फार्मेसी का, तो अपन उस बंदे का अगर सर्टिफिकेट है, उस बंदे के सर्टिफिकेट के ऊपर अपन मेडिकल का शॉप जो है वो चला सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, अपन चाहते हैं कि खुद मैं ही रहूँ अपनी शॉप पे और कोई छोटी जगह पे लाइक गाँव में कहीं खोलना चाहूँ मैं, तो वहाँ पर आपको अपना फार्मेसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके पास फार्मेसी का सर्टिफिकेट नहीं भी है, अगर किसी और व्यक्ति के पास फार्मेसी का सर्टिफिकेट है और आप उसका सर्टिफिकेट रख के उसको थोड़ा बहुत परसेंटेज चार्ज करके भी मेडिकल शॉप चला सकते हो। आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी चला सकते हो, नहीं है तो भी चला सकते हो किसी और के सर्टिफिकेट। आप खुद फार्मेसी का सर्टिफिकेट लाना चाहते हो कि मैं अपने खुद के फार्मेसी के सर्टिफिकेट पर चलाना चाहता हूँ, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। आपको फार्मेसी करनी पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ फार्मेसी कैसे होती है। फार्मेसी करने के लिए आपको तीन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ सकता है, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा। क्या होता है ये? डी फार्मा का मतलब होता है डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, ये 3 साल का होता है जो आपको करना पड़ता है। अगर ये आप कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। दूसरी जाता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, अगर आप ये करते हो बैचलर ऑफ फार्मेसी तो आपको ये 3 साल करनी पड़ेगी किसी संस्थान से, और ये करते हो तो ये आप सर्टिफाइड हो जाते हो। चौथा होता है मास्टर फार्मेसी, ये करते हो तो भी आप उस लेवल की योग्यता हासिल कर सकते हो और आपका काम हो सकता है। फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद में आप राज्य फार्मेसी काउंसलिंग में जाके अप्लाई कर सकते हैं और तब आप शॉप ओपन कर सकते हैं। अगर आप फुटकर रिटेल की शॉप खोलना चाहते हो तो आपको केंद्र औषधि मानक नियंत्रण संगठन में जाके अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप राज्य औषधि मानक नियंत्रण संगठन में जाकर भी अप्लाई कर सकते हो। लोकेशन की बात करें तो बेस्ट लोकेशन आपकी वो हो सकती है जो मेडिकल या गवर्नमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल के फ्रंट में आप अपना शॉप लगाओ, फ्रंट में लगाओ या उसके आमने सामने कहीं पे पास में लगाओ, तो आपका शॉप बहुत अच्छा से चल सकता है। क्योंकि सामने होगा तो आप वहाँ पे जो भी मरीज होगा वो सीधा आपके मेडिकल शॉप पे आएगा, वहीं से दवाइयाँ खरीदेगा और आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। और ऐसे भी आप कर सकते हो कि डॉक्टर से टाई अप कर सकते हो, डॉक्टर को थोड़ा बहुत परसेंटेज देकर बोल सकते हो कि मरीजों को जो भी आए उनको सीधा हमारी शॉप पे जाने को बोले, वो वहीं पे आएंगे वहीं से दवाइयाँ लेंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। और सामान लाने के लिए आपको थोक विक्रेताओं से संपर्क करना पड़ेगा, और विक्रेताओं से आप संपर्क करके भी अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कितना अपन इनकम अर्न कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट की बात करें तो आपको ओनली फॉर दवाइयों के लिए 1.5 से 2 लाख की दवाइयाँ लानी पड़ेगी, बाकी जगह का आप अपने हिसाब से देख सकते हो। 1.5 से 2 लाख की आपकी दवाइयाँ आ जाएगी और इनसे इनकम आपको 20 से 30 हज़ार रुपये महीना आप स्टार्ट से कमा सकते हो, और धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ने लगेगी क्योंकि इनकम ग्रोथ होगी। कैसे होगी? कैसे आपको शॉप जो है वो फेमस होगा, प्रसिद्ध होगा, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, और मार्जिन की बात करें तो दवाइयों में लगभग 20% का मार्जिन रह जाता है, और अगर कुछ कुछ दवाइयों में 60 से 70% का मार्जिन भी होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारी जानकारी आपको मिली होगी मेडिकल शॉप करने के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।